पीआईए में मजीद दो इनकलाबी इकदाम उठाए गए हैं जिससे पीआईए को सालाना अरबों रुपए का फायदा होगा। पहला इनकलाबी कदम तो पीआईए के पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके जरिए अब पीआईए के पायलट जो दुबई जाकर ट्रेनिंग लेते थे और पाकिस्तानी एयरलाइन को सालाना करोड़हा रुपया खर्च करना पड़ता था, वो मुल्क के अंदर ही मुमकिन हो गया है। इसके अलावा पीआईए दूसरे ममालिक की एयरलाइंस को भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग देगी। इसके साथ साथ पीआईए ने इस्लामाबाद के अंदर जहाज़ों की मेंटेनेंस के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंजीनियरिंग हैंगर का भी इफ्तिताह कर दिया है। और ये दोनों इनकलाबी कदम साबिक सीईओ पीआईए अरशद मलिक साहब ने किए। जी हाँ, ये वही सीईओ थे जिन्होंने पीआईए की तारीख में पहली मरतबा 2900 लोगों को मुलाजमत से फारिग किया क्योंकि उनके पास जाली डिग्रियाँ थी, गोश्त मुलाजमीन थे और करप्शन करते थे। आज पीआईए की इन अहम डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जबकि इसके साथ आज की दूसरी अच्छी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, जिसने जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद है अत्थर मिनल्ला की कोर्ट को लाइव स्ट्रीम करके पब्लिक को दिखाने की मंजूरी दी है। उसके लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीआईए को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो हम सब का नॉस्टैल्जिया तो है लेकिन तमाम हुक्मरानों ने इसको कमा हक तबाह किया। कुछ इकदाम अच्छे किए इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उनमें से एक था साबिक सीईओ अरशद मलिक साहब की अपॉइंटमेंट। उन्होंने आकर 2900 अफराद, जिनमें से 800 अफराद तो जाली डिग्रियों वाले थे, 1000 ऐसे अफराद जो नौकरी पर आते नहीं थे, तनख्वाहें लेते थे यानी गोस्ट एम्प्लॉयज, और 1100 अफराद को करप्शन की वजह से नौकरियों से बरतरफ किया। उस तमाम एक्सरसाइज की वजह से पीआईए को हर साल 8 से 9 अरब रुपये का फ़ायदा होना शुरू हुआ है। उसके बाद पीआईए के तकरीबन 670 पायलट्स को हर साल रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए जाना पड़ता था क्योंकि पीआईए एयरबस इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के अंदर और इस रीजन में एयरबस का कोई सिमुलेटर नहीं था, तो हमें दुबई या साउथ अफ्रीका तक जाना पड़ता था। उसके बाद हमें $500 पर घंटा पायलट की ट्रेनिंग के पैसे अलहदा, जाने आने के टिकट्स अलहदा, उनके होटल्स के खर्चे अलहदा, TAD अलहदा, तो करोड़हा रुपये का बजट लग जाता था। अब पीआईए ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको 7E एवोल्यूशन सिमुलेटर कहा जाता है, जो कि एयरबस A320 के लिए है, उस सिमुलेटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इसके जरिए अब पीआईए के तमाम पायलट्स को पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग देना मुमकिन हो गई है। 15 पीआईए के पास एयरबसेस अभी हैं, 4 मजीद आ रही हैं, तो ये तमाम पायलट्स उसके ऊपर खुद को इक्विप करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में मजीद 2 एयरलाइंस और हैं, एयर ब्लू और एयर सियार, वो भी एयरबस इस्तेमाल कर रही हैं। उनके पायलट्स भी पहले दुबई या साउथ अफ्रीका जाते थे, वह पीआईए के इस सिमुलेटर सेंटर जो कि कराची में वाक़ है वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। इसी सेंटर के अंदर बोइंग 777 और बोइंग 747 जहाज़ों के सिमुलेटर्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान अब ये फैसिलिटी सेंट्रल एशिया के ममालिक और रीजन के दीगर ममालिक को भी देने जा रहा है कि अगर उन्होंने अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दिलवानी है तो बजाय दुबई भेजने के, साउथ अफ्रीका भेजने के, कराची भिजवाएं, सस्ता पड़ेगा और उनको मियारी ट्रेनिंग भी मिलेगी। इसी तरह कतरा कतरा करके दरिया बनता है, इदारों को जब तबाह किया जाता है तो इसी तरह किया जाता है कि जो उनकी ज़रूरियात होती हैं उनको रोक दिया जाता है, लोग भर्ती किए जाते हैं। 2900 लोग 2 नंबर तरीके से भर्ती हुए थे। देखिए, जिसके पास जाली डिग्री होगी उसने कितनी रिश्वत देकर खुद को भर्ती करवाया होगा, गोस्ट एम्प्लॉय हर महीने रिश्वत देता होगा, करप्शन करने वाला कहां तक रिश्वत का पैसा पहुंचाता होगा। आपको एक इदारा बता रहे हैं पीआईए का, यही कुछ स्टील मिल के साथ हुआ, यही कुछ PTCL के साथ हुआ, हर सरकारी इदारे के साथ यही जुल्म हुआ है। तो इस सिमुलेटर के आने के बाद पीआईए की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और पीआईए पहले से ज्यादा माली तौर पर मुस्तहकम भी होगा। फिर पीआईए का और मसला था कि पीआईए का कोई जहाज भी खराब होता था तो उसे ऑल द वे कराची लेकर जाना पड़ता था, उसकी कॉस्टिंग खाली जहाज की पड़ती थी, फ्यूल की, बाकी चीजों की। तो अब इस्लामाबाद के अंदर जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंजीनियरिंग हैंगर बना दिया गया है, उसका इफ्तिताह हो गया है। इसके अंदर अब तमाम किस्म के जहाज़ों की रिपेयर हो सकेगी, उनके फॉल्ट्स को अंडू किया जा सकेगा, इससे भी पीआईए को इजाफी फ़ायदा होगा। और इस हैंगर का नाम नूर खान हैंगर रखा गया है, वही शख्सियत
जो पाकिस्तान के साबिक एयर मार्शल रहे, और इसी के साथ साथ पीआईए को उरूज दिलवाने में इनका बड़ा अहम किरदार था। पीआईए में एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि तमाम स्टाफ की जो हाजिरी है अब वो बायोमेट्रिक ऑनलाइन कर दी है। जो स्टाफ नहीं आता उसको फौरी तौर पर उस दिन की तनख्वाह से मुबर्रा करार दिया जाता है, यानी कि एक दिन की तनख्वाह काट ली जाती है। और 7 दिन मुसलसल जो स्टाफ हाजिरी पर नहीं आता उसको नौकरी से बरतरफ करने का आगाज कर दिया जाता है। यही वो इकदामात हैं, अगर वो सरकारी महकमों में किए जाएं तो यकीनन पाकिस्तान का हर सरकारी महकमा अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। इसी के साथ चलते हैं एक और अहम पेशरफ की जानिब जो कि इस्लामाबाद से हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके चीफ जस्टिस अत्थर मिनल्ला उन्होंने एक बाकायदा मंजूरी दी और उसके ऊपर इकदाम भी कर लिए कि उनकी जो कोर्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोर्ट उसकी जो तमाम प्रोसीडिंग्स होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता लाइव स्ट्रीमिंग पे जाएंगी, यानी यूट्यूब पे आप मैं उनको देख सकेंगे या उनकी वेबसाइट पे उसकी तमाम रिकॉर्डिंग्स होंगी। उसका फ़ायदा क्या होता है? जब जजिस को इस चीज़ का इल्म होगा अब उनके फैसले, अब उनके जो इकदाम हैं वो सिर्फ कमरा अदालत तक महदूद नहीं रहेंगे, आम पब्लिक को पता लगेगा कि जज साहब का कंडक्ट कितना था, जज साहब फाइल पढ़ के आए कि नहीं आए, जज साहब ने तारीख बिला वजह दी या कुछ आर्गूमेंट के बाद दी जन्मन तारीख दी, तो उनकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी और वकला को भी इस चीज़ का इल्म होगा। फिर जो बड़े केसेस होते हैं जिनके अंदर दो पार्टीज आपस में लड़ रही होती हैं, बड़ी पीटीआई होगी, नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी, जब उनकी कवरेज अवाम के सामने जाएगी तो अवाम को पता लगेगा कि किस जगह पर कौन से आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग थे और जज साहब ने उन्हीं की बेस पर फैसला किया है। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। हाँ, पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर एक अच्छा फैसला हुआ 2-3 साल पहले कि अब बजाय वकला को ऑल द वे ट्रैवल करके इस्लामाबाद जाना पड़े या कराची जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेश होने के लिए, अब वो ऑनलाइन जो है अदालतों के अंदर पेश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक और अपनी आर्गूमेंट वहीं से दे सकते हैं। इसका फ़ायदा क्लाइंट्स को भी हुआ है। पहले बेचारे क्लाइंट्स को वकील साहब को भेजने के लिए टिकट देनी पड़ती थी, वहाँ की रहाइश देनी पड़ती थी और फिर तारीख लेकर वो आते थे। तो ये भी एक बड़ा कदम है, मैं समझता हूँ इनको तमाम हाई कोर्ट्स में भी अप्लाई होना चाहिए ताकि वकला जो छोटे शहरों में रहते हैं वो हाई कोर्ट्स के अंदर बआसानी पेश हो सकें। इसी में आपको मिसाल देना चाहता हूँ, इंटरनेट के ऊपर एक जज साहब बड़े मशहूर हैं, अमेरिका के जज हैं, फ्रैंक कैप्रियो, जो कि ट्रैफिक से मुतालिक केसेस सुनते हैं, 80 साल जज अनरी तौर पर काम कर रहे हैं रोड आयलैंड के अंदर। तो वहाँ पर ये बड़े मज़ेदार फैसले करते हैं, हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों से पेश आते हैं और लोगों के अंदर जो बिला वजह का अदालत का खौफ बैठा हुआ है उससे कैटर करने की कोशिश करते हैं। जो इस ट्रैफिक वायोलेशंस के मुलजिमान कह लीजिए जब पेश होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। कभी कोई पेशेंट है बताता है कि मैं तकलीफ़ में था, इस वजह से मैंने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा, कोई और रीज़न बताता है, तो अगर वो रीज़न जेन्युइन हो तो सिर्फ कानून की बुनियाद पर जुर्माना नहीं करते, वो जुर्माने माफ़ भी करते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कदम जो है ये अवाम के अंदर अदलिया का वक़ार बहाल कर सकता है। मैं समझता हूँ इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर स्पेशली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अगर अगली हुकूमत पीटीआई की आती है तो उन्हें इस चीज़ को इंश्योर करवाना चाहिए कि एक तो मुल्क के अंदर जजिस की तादाद में कम अज़ कम 25% इजाफा किया जाए, छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। दूसरा, जो लोग बिला वजह मुकदमे करते हैं झूठे मुकदमों पर लाजमी जुर्माना किया जाए और हैवी जुर्माना किया जाए ताकि लोगों को पता हो कि मेरा जो केस है वो सिर्फ बाहर नहीं किया जाएगा, मुझे जुर्माना भी किया जाएगा। इसके साथ साथ अदालतों की प्रोसीडिंग्स हैं कम अज़ कम हाई कोर्ट लेवल तक की प्रोसीडिंग, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इनके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स होने चाहिए हर हाई कोर्ट के हर सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर ये हर केस को अपलोड करें ताकि लोगों को पता हो और जो साइल ना जाने के काबिल हो किसी अदालत में उसको पता हो कि उसके वकील साहब वाकई पेश हुए थे और वाकई जज साहब छुट्टी पे थे या किसी और वजह से तारीख मिली है, ताकि वकील साहब भी बजाय मुंशी को भेज के तारीख लेने के या कुछ और बहाना करने के बाकायदा पेश होकर तारीख जन्मन तरीके से ले अगर बन सकती है। तो इन इकदाम से हम निज़ाम इंसाफ को, निज़ाम अदल को बेहतर कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुलरहमान को जाए दीजिए, अल्लाह के बाद।